बीजिंग चाइना में घटी एक रहस्यमय घटना है। ये घटना 1995 में घटी थी। 14 नवंबर 1995 की रात को हेडियन डिस्ट्रिक्ट की आखिरी बस 375 अपने रूट की तरफ जा रही थी। उस बस में एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर, एक लड़का और एक बूढ़ी औरत सफ़र कर रहे थे। तभी तीन लोगों ने बस रोकने की कोशिश की। पहले तो बस ड्राइवर ने उनके लिए बस नहीं रोकी क्योंकि वे बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे, बट रूट की आखिरी बस होने की वजह से उसने बस रोक दी। उसके बाद पैसेंजर्स ने देखा कि वास्तव में वे चार लोग थे जिन्होंने विचित्र से पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। जब बस अपने रूट की तरफ चली तभी वह बूढ़ी महिला उस लड़के पर चिल्लाने लगी और बोला, उसने मेरा पर्स चुराया है। इस बात पर उनको ये बहुत झगड़ा हुआ और बहुत बहस हुई और वह पुलिस स्टेशन जाने की जिद करने लगे। जब ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया तब उस बूढ़ी औरत से वह लड़का बहुत नाराज था क्योंकि वह रूट की आखिरी बस थी। तब महिला ने बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि जब मैं बस में उन्हें ध्यान से देख रही थी तो उनमें से एक के पैर ही नहीं थे। इसके बाद पुलिस को अगले दिन वह बस लापता होने की खबर मिलती और वह बस अपने लास्ट टर्मिनल से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिलती है। जब उस बस को पानी से निकाला जाता है तो वह बस बहुत बुरी हालत में थी और उसमें से 5 लाशें मिलती है। जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तब तक पुलिस उस बस का फ्यूल टैंक चेक करती है क्योंकि नियम अनुसार बस में आखिरी टर्मिनल तक का ही फ्यूल होना चाहिए था। तो उन्हें जब वह चेक करते हैं फ्यूल टैंक तो उन्हें दिखता है कि उसमें फ्यूल टैंक में फ्यूल था ही नहीं, उसमें खून था। अभी वह उसे देखकर डरे ही होते हैं कि तभी डॉक्टर की तरफ से एक रिपोर्ट आती है तो पता लगता है ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा जो लाशें मिली हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उनके मुताबिक इनकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। अभी चाइना में इस बस का जिक्र नहीं किया जाता और कहा जाता है उसके बाद भी इस बस को सेम रूट पर ट्रैवल करते देखा गया है। ऐसी और हॉरर स्टोरीज और अद्भुत फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक।